इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक माना जाता है और हर दिन हजारों गाड़ियां यहां पटरी पर दौड़ती हैं। लेकिन हमारे इंडियन रेलवे से जुड़ी कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो शायद लोग बिल्कुल नहीं जानते, जैसा कि WAP और WAG लोकोमोटिव में क्या अंतर होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि WAP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता दूं कि WAP का फुल फॉर्म होता है वाइल्ड अल्टरनेटिंग करंट पैसेंजर। अब अगर बात की जाए WAG की तो यह गुड्स कैटेगरी के लोकोमोटिव हैं और इनका फुल फॉर्म है वाइल्ड अल्टरनेटिंग करंट गुड्स। हमारे इंडियन रेलवे में WAP और WAG कैटेगरी के लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें मुख्य अंतर यह है WAP लोकोमोटिव का इस्तेमाल यात्री ट्रेन में किया जाता है जबकि WAG लोकोमोटिव का इस्तेमाल मालगाड़ी के लिए किया जाता है। अब ऐसे में सवाल आता है कि दोनों तरह की ट्रेन के लिए अलग अलग इंजन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक मालगाड़ी को यात्री गाड़ी की तुलना में ज्यादा वजन ढोना होता है और जिसके लिए उन्हें ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। यही वजह है कि मालगाड़ी और यात्री गाड़ी के लिए अलग अलग तरह के इंजन बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे WAP और WAG लोकोमोटिव में क्या अंतर होता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।